हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो स्टाइल ब्लॉग्स। सो गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज मैं बता दूं आपको, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो बाइकों को लेकर। एक रहने वाली है टीवीएस की तरफ से टीवीएस राइडर 125cc मॉडल, एक रहने वाली है यामा की तरफ से MT15 125cc मॉडल, जो कि इंडियन टूल मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो भाई इन दोनों ही बाइक का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, बिकॉज 125cc मॉडल आने वाली है MT15 की। तो आपको मैं बता दूं कि आपको कौन सी परचेस करनी चाहिए, इन दोनों ही बाइक में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स देखने को मिलेंगे, सारी डिटेल मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है 125cc लवर के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टीवीएस राइडर 125cc मॉडल के बारे में। तो इस बाइक में आपको 124.8cc का एयर ऑयल कूल्ड 3 वाल्व सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगा। बात करें इंजन के मैक्सिमम पावर की, तो इसमें आपको 11.2 एचपी 7500 आरपीएम के साथ पावर देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाएगा इंजन में 11.2 न्यूटन मीटर टॉर्क 6000 आरपीएम के साथ। तो गाइस ये तो बात हो गई इंजन के बारे में, वहीं बात कर लें सस्पेंशन के बारे में। तो इस बाइक में आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेंगे टेलीस्कोपिक फोक्स, वहीं आपको रियर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे मोनोशॉक 5 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वहीं हम बात कर लें बाइक के डायमेंशंस के बारे में, मतलब बाइक की ओवरऑल हाइट क्या रहने वाली है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या देखने को मिलेगा, सीट हाइट क्या देखने को मिलेगी, कब वेट क्या देखने को मिलेगा। तो इस बाइक में आपको हाइट 1028 mm की हाइट देखने को मिल जाएगी, ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको 180 mm का देखने को मिल जाएगा, 780 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, 123 kg का इसमें आपको कब वेट देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की देखने को मिल जाएगी। बात कर लें कंसोल क्लस्टर के बारे में, तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिलेगा, इसमें आपको सारे रिमाइंडर फीचर देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ यूनिक रिमाइंडर फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्डर, इकोनॉमी राइडिंग इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज, गियर शिफ्टिंग लाइट, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो बैटरी इंडिकेटर, मतलब सारे रिमाइंडर फीचर्स बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो ये तो बात हो गई कंसोल क्लस्टर के बारे में। वहीं हम बात कर लें ब्रेक एंड टायर के बारे में, तो इस बाइक में आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिलेंगे 130 mm के ड्रम, रियर ब्रेक भी आपको वही देखने को मिलेगा 130 mm का ड्रम ब्रेक। वहीं हम बात कर लें बाइक के टायर सेक्शंस के बारे में, तो इस बाइक में आपको फ्रंट टायर देखने को मिलेगा 18x100 सेक्शन का, रियर टायर देखने को मिलेगा 100x90 सेक्शन का, जो कि आपको ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वहीं हम बात कर लें बाइक के टॉप स्पीड एंड माइलेज के बारे में, जो कि मेन रोल है। बाइक के अंदर आपको 65 प्लस किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्सीमेट माइलेज देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात रहने वाली है। वहीं बात कर लें बाइक की टॉप स्पीड के बारे में, तो इस बाइक की 100 प्लस किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात रहने वाली है, बिकॉज 125cc सेगमेंट की बाइक है, तो इसकी यही टॉप स्पीड रहने वाली है। ओके फ्रेंड, वहीं हम बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। वैसे तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, बट नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, इंडियन टूल मार्केट में इस बाइक के प्राइस आपको 84,500 के अप्रॉक्सीमेट एक्स शोरूम देखने को मिल जाएंगे। गाइस ये इन्फॉर्मेशन तो थी टीवीएस राइडर 125cc मॉडल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं MT15 125cc मॉडल, जो कि अभी इंडियन टूल मार्केट में लॉन्च होने वाला है, कि आपको उसके लिए रुकना चाहिए या फिर आपको टीवीएस की तरफ जाना चाहिए। ओके गाइस, बात कर लेते हैं MT15 के इंजन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बाइक के अंदर आपको 124cc का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलेगा। बट गाइस इसमें आपको एक मेन चेंज देखने को मिलेगा, जो कि इसमें आपको नंबर ऑफ गियर देखने को मिलेंगे 6। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बाइक के अंदर आपको 6 गियर स्पीड वॉक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात करें बाइक के सस्पेंशन के बारे में MT15 125cc मॉडल के बारे में, तो इस बाइक में आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेंगे 41mm के अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोक्स, जो कि इसका मेजर चेंज रहने वाला है। वहीं हम बात कर लें बाइक के रियर सस्पेंशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं बाइक के अंदर यूनिट सिंक सस्पेंशन रियर देखने मिल जाएंगे आपको। वहीं हम बात कर लें बाइक की डायमेंशंस के बारे में, तो ओवरऑल बाइक की हाइट रहने वाली है 1065 mm। वहीं हम बात कर लें बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं 160 mm का इस बाइक के अंदर आपको काफी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात कर लें सीट हाइट के बारे में, तो इस बाइक में आपको 810 mm की सीट देखने को मिल जाएगी, 142 kg का इसमें आपको कर्व वेट देखने को मिल जाएगा, 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। वहीं हम बात कर लें बाइक के कंसोल क्लस्टर के बारे में, तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे रिमाइंडर फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको V3 में देखने को मिले थे। ओके फ्रेंड्स, वहीं हम बात कर लें बाइक की टॉप स्पीड और माइलेज के बारे में। ओके फ्रेंड, तो बाइक की टॉप स्पीड रहने वाली है अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर की अप्रॉक्सीमेट। वहीं हम बात कर लें माइलेज के बारे में, तो इस बाइक का आपको 45 प्लस माइलेज देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाइक के ब्रेक एंड टायर के बारे में, तो इस बाइक के आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिलेंगे 292 mm के हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक। वहीं बात कर लें रियर ब्रेक के बारे में, तो इस बाइक में आपको 220 mm के हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सिंगल चैनल एबीएस के साथ देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात रहने वाली है और टीवीएस राइडर से एक ज्यादा इसमें आपको मेजर चेंज देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात कर लें बाइक के टायर के बारे में, तो इस बाइक में आपको फ्रंट टायर देखने को मिलेगा 100x80 सेक्शन का। बाइक का रियर टायर देखने को मिलेगा 140x70 का, जो कि आपको ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं इस बाइक के अंदर आपको काफी सारे मेजर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू टीवीएस राइडर 125cc मॉडल के हिसाब से, और इसी हिसाब से इस बाइक के आपको प्राइस भी देखने को मिलेंगे। तो बात कर लें बाइक के प्राइस के बारे में, तो गाइस इंडियन टूल मार्केट में इस बाइक के एक्स शोरूम प्राइस रहने वाले हैं 1,20,000 के आसपास। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 125cc सेगमेंट बाइक को परचेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बाइक बेस्ट रहने वाली है, बिकॉज इस बाइक का लुक आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ABS आपको देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको सारे फीचर देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता दूं फुली डिजिटल कंसोल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, और बॉडी ग्राफिक्स और लुक
टायर वाइड सारे इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, आप इस बाइक के लिए रुक सकते हैं गाइज, बाकी आपके ऊपर चॉइस के हिसाब से। बाकी गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें। गाइज मिलते हैं आपसे अगली बार एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।